तो आज हम थोड़ा हेल्दी कुछ बनाया हुआ है, वो है ब्लैक चना का स्प्राउट है। तो ये देखिए, हम इसको पहले 8 घंटा सोक किया था। फिर सोक होने के बाद फिर इसको हम पानी फिल्टर किया। फिल्टर होने के बाद फिर हम इसको अच्छा से ड्राई करके ट्रे में डाल के ऊपर में अच्छे से टिश्यू से बाप का बच्चों भीगा कपड़ा है अच्छे से कपड़ा को डाल के ढक्कन देके फिर आप इसको 2 दिन रख दीजिए। देखना ये 2 दिन के बाद ऐसे स्प्राउट आएगा। ये बहुत ही बढ़िया स्प्राउट आ गया है। फिर आप अब इसको सलाद बना के खा सकते हो, और एवरीडे इसको आप सलाद बना के खा सकते हो। फिर आप इसको एवरीडे मॉर्निंग में थोड़ा हेल्थ के लिए आप इसको थोड़ा खाएंगे तो पूरा दिन आपको एनर्जी देगा। और आप कोई भी मिक्स सलाद में डाल सकते हो। फिर इसको स्टीम करके आप सूखा सब्जी भी बना सकते हो। तो ये खाने का बहुत कुछ फ़ायदा है, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है एंड स्प्राउट भी बहुत अच्छा हो गया है। तो आज हम इसको सलाद के लिए बनाएंगे। ये हम 2 बार में यूज करेंगे, सलाद के लिए और एक बार हम इसको सूखा सब्जी बनाएंगे। बहुत ही बड़ा बड़ा स्प्राउट हुआ है। सो आप ये स्प्राउट को ट्राई कीजिए, और आप इसको ऐसे सेम प्रोसेस में ग्रीन मूंग दाल का भी स्प्राउट बना सकते हो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।